अयोध्या से सटे पूरा बाजार ब्लॉक और आसपास के 105 गांव के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवार 500 साल बाद फिर एक बार पगड़ी बांधेंगे और चमड़े के जूते पहनेंगे। कारण है राम मंदिर निर्माण का इनका संकल्प पूरा हुआ। इन गांवों में घर घर जाकर और सार्वजनिक सभाओं में क्षत्रियों को पगड़ियां बांटी जा रही हैं। सूर्यवंशी समाज के पूर्वजों ने मंदिर पर हमले के बाद इस बात की शपथ ली कि जब तक मंदिर फिर से नहीं बन जाता वे सिर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, छाते से सर नहीं ढकेंगे और चमड़े के जूते नहीं पहनेंगे। सूर्यवंशी क्षत्रिय अयोध्या के अलावा पड़ोसी बस्ती जिले के 105 गांव में निवास करते हैं। ये सभी ठाकुर परिवार खुद को भगवान राम का वंशज मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर निर्माण के आदेश के बाद अयोध्या के इन गांवों में गजब का उत्साह है। सराय रासी के बाजदेव सिंह वकील हैं, उन्होंने कहा कि सराय रासी में कोर्ट के फैसले के बाद से अब तक 400 पगड़ी बांटी जा चुकी है। हमारे पूर्वजों का संकल्प पूरा हुआ है। इतने वर्षो तक सूर्यवंशी क्षत्रियों ने शादी में भी पगड़ी नहीं बांधी है। समारोह व पंचायत में भी संकल्प के मुताबिक सर खुला करते रहे हैं। अयोध्या के भारती कथा मंदिर की महंत ओमशी भारती का कहना है कि सूर्यवंशियों ने सर न ढकने का जो संकल्प लिया था उसका पालन करते हुए शादी में अलग तरीके से मोरी सिर पर रखते रहे हैं, जिसमें सर खुला रहता है। पूर्वजों ने जब जूते और चप्पल न पहनने का संकल्प लिया था तब चमड़े के बने होते थे, लिहाजा पैर की सुरक्षा के लिए खड़ाऊ पहनने लगे। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे जूते चप्पल आ गए जो चमड़े के नहीं होते हैं तो उसे भी पहनने लगे, लेकिन चमड़े के जूते कभी नहीं पहने गए। सूर्यवंशी क्षत्रियों के परिवार कोर्ट के फैसले से खुश हैं और उन्हें भव्य मंदिर बनने का इंतजार है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।